नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को करारा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले पर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया यानी स्कूल के नज़दीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो स्कूल डीडीए से जमीन लेकर बने हैं उन्हें यह आदेश मानना होगा। इस फैसले को निजी स्कूलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पेरेंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने का अधिकार छीन रहा था, इसीलिए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड क्राइटेरिया को अतार्किक भी बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले से इस साल नर्सरी एडमिशन को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तो दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के बाद पैदा हुआ संशय खत्म हो गया है और अभिभावकों और स्कूलों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। देखते रहिए डीबी लाइव।